फिलिस्तीन हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर जॉर्डन, तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते आज एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। दूसरा अफगानिस्तान हो या फिलिस्तीन, सऊदी अरब हो या यूएई, मालदीव हो या बहरीन, इन सब देशों ने भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, भारत की संस्कृति के साथ अपने रिश्ते को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की है। इसी का परिणाम है कि सऊदी अरब ने भारत से जाने वाले हज यात्रियों को कोटा में अप्रत्याशित रूप से बढ़ावा किया। मैंने मांग की थी कि भारत में मुसलमान समाज में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, वे हज यात्रा करना चाहते हैं, और मैंने कहा मुझे 2 लाख का कोटा कर दीजिए, उन्होंने कर दिया था। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम देशों ने जिस प्रकार और जितनी संख्या में भारतीय कैदियों को छोड़ा है वो अभूतपूर्व है। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो या बहरीन, इन सब देशों ने भारत के जितने कैदियों को छोड़ा है उतने पहले कभी नहीं छोड़े गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति उनका सम्मान। आपने देखा होगा कि मैं खुद जब इन देशों में जाता हूं तो उनके राष्ट्र प्रमुखों की सहमति के साथ वहां बसे भारतीयों के पास भी जाता हूं। वो भी बताते हैं कि इन वर्षों में उनके देशों में भारत का मान कितना ज्यादा बढ़ा है। साथियों, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में जितनी प्रगाढ़ता आज आई है वो वर्षों बाद हुई है। बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत बंटवारे के समय से चली आ रही समस्याओं को सुलझा रहा है। जमीन को लेकर विवाद हो, कनेक्टिविटी हो, रेलवे का काम हो, नए जलमार्ग हो, ब्रॉडबैंड का विस्तार हो, बांग्लादेश के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहे हैं। ये सारी बातें कांग्रेस और उसके साथियों को पच नहीं रही है। वो यही सोचते हैं कि मोदी को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलेगा, और जो मिल रहा है अगर यही चलता रहा तो भारत में उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी अफवाहें हैं, उनके जो झूठ है, मुस्लिमों को डराने के उनके जो कारनामे हैं, उनको लग रहा है कि दुनिया का मुसलमान अगर मोदी को इतना प्यार करेगा तो भारत के मुसलमानों को डराने का काम कैसे करेंगे, ये इनकी चिंता है। और इसलिए समय समय पर ये दल नई नई साजिशें लेकर के आते हैं। इस समय भी इनकी साजिशों का नया दौर शुरू हुआ है। ऊपर से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने 3 तलाक पर मुस्लिम बहन बेटियों और उनके पिता भाइयों के समर्थन ने इनकी टेंशन और बढ़ा दी है। और इसलिए मैं कहूंगा, टेप रिकॉर्ड की मत सुने हो, उनके टैप रिकॉर्ड की मत सुनो, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। साथियों, आप आश्वस्त रहिए, मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप आश्वस्त रहिए,
इन लोगों की साजिशों के बावजूद आपका ये सेवक देश के लिए, देश की एकता के लिए, शांति और सद्भावना के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोई देशवासी न देश को झुकने देना चाहता है, न देश को बटने देना चाहता है। भाइयों बहनों, ये लोग तो मेरे साथ आज से नहीं, 20 साल से, 2 दशकों से इसी तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनकी यही पैटर्न है। मौत का सौदागर से लेकर अब तक देख लीजिए, उन्होंने यही खेल खेले हैं। इनकी रग रग से मैं वाकिफ हूं और तभी तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और यहां पर मुझे बिठाया है। भाइयों बहनों, मुझे रास्ते से हटा देने के लिए हर तरह की कोशिश चल रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि जितनी नफरत ये लोग मुझसे करते हैं, देश की जनता का प्यार, देश की जनता का स्नेह उससे भी ज्यादा बढ़ करके मुझ पर बरसता है। जो लोग गिद्ध की तरह भी नोचेंगे तो, गिद्ध की तरह भी नोचेंगे तो भी ये मोदी देश के लिए जिएगा, देश के लिए जूझता रहेगा, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। देश की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, देश के लोगों के हित के लिए जो भी जरूरी होगा वो करना, ये हम सबका दायित्व है, वो आपका भी दायित्व है, वो मोदी का भी दायित्व है। भाइयों बहनों, आपका ये आशीर्वाद इनकी हर साजिश को बेनकाब करेगा, इनकी हर साजिश को नाकाम करेगा। और दिल्ली के मेरे साथियों, मुझ पर आपके इसी स्नेह को देखते हुए मैं आज खास करके अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। मांगू क्या? मांगू? कुछ मांगूंगा तो बुरा नहीं मानोगे ना, लेकिन मांगूंगा फिर कुछ दोगे नहीं तो क्या होगा? मांगू, आप देंगे क्या? भरोसा करता हूं आप पर। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप दिल्ली के जिस भी इलाके में रहते हैं वहां पर अगले 1 हफ्ते तक जबरदस्त सफाई का अभियान शुरू किया जाए और 1 जनवरी नए साल का स्वागत और ज्यादा साफ सुथरी दिल्ली के साथ किया जाए। करोगे? सामूहिक रूप से करना होगा, कॉलोनी के सब लोगों ने मिलकर के करना होगा। करोगे? दूसरा काम, उसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक से भी मुक्ति दिलाने के लिए आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे? करेंगे? पक्का करेंगे? अपनी कॉलोनियों को आपको स्वच्छ बनाना है, बुरी आदतें हो, नशीले पदार्थ हो, उसको भी अपनी कॉलोनियों से पूरी तरह मुक्त करना है, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप सभी लोगों के सहयोग से दिल्ली और भी निखरे, दिल्ली और भी सुंदर बने, यही मेरी कामना है। मैं एक बार फिर दिल्ली के लाखों साथियों को अपने घर,
अपनी जमीन के अधिकार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं दिल्ली में भी और देश में भी सभी आंदोलनकारियों से अहिंसा का रास्ता अपनाने के लिए आग्रह करता हूं। हिंसा से किसी का भला नहीं होगा, हमें हिंसा से दूर रहना ही होगा। ये देश हमारा है, यहां के लोग हमारे हैं, उनका उज्जवल भविष्य ये के साथ हम सबका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।